हेलो बच्चों, आज हम पुनः सेल्स डिवीजन एंड सेल्स आईटी के चौथा लेक्चर को देखेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने माइटोसिस देखना शुरू किया था और माइटोसिस में आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस देखा। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि एक सेल के अंतर्गत दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये आप पिछले क्लास तक देख चुके हैं कि एक सेल के अंतर्गत दो न्यूक्लियस बढ़ चुके हैं, ठीक। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन हो गया, न्यूक्लियस का विभाजन हो गया। अब क्या है कि माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल से दो सेल नु बनता है, ठीक। तो दो कैरियोकाइनेसिस द्वारा दो न्यूक्लियस बन गया। अब कौन सी प्रक्रिया होगी, इनमें साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इनका बंटवारा। साइटो मतलब कोशिका द्रव का बंटवारा। तो अब इसमें क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस में सेल जो है, एक सेल से कितना सेल बन जाएगा, एक न्यूक्लियस का अलग भाग हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस का अलग भाग हो जाएगा। तो साइटोकाइनोसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का बंटवारा द्वारा बीचो बीच बंटवारा हो जाएगा और माइटोसिस प्रक्रिया पूरा हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस देखा है या जिनको याद नहीं पड़ रहा है, आप ऐसा कीजिए कि पुनः लेक्चर को क्या कीजिएगा, देख लीजिए, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस पर क्रिया को। तो साइटोकाइनेसिस में एक सेल दो सेल में बट गया, दो गो न्यूक्लियस बन गया था कैरियोकाइनेसिस में। अब देखिए, चलिए अब देखते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, तो साइटोकाइनेसिस में एक सेल दो सेल में बदल गया है। जो कुछ जब न्यूक्लियस है, दो गो न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस में बना हुआ था, तो कैरियोकाइनेसिस में दो गो न्यूक्लियस में क्या हो गया, दो गो सेल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इनके बीच क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें दो सेल बनता है। आगे देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अलग अलग तरह की होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एनिमल सेल में, कोई भी एनिमल सेल की बात है हम करें, तो ये एक सेल है। सेल में कैरियोकाइनेसिस लेकर एगो न्यूक्लियस बना था, दो गो न्यूक्लियस बना था, ठीक। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि ये जो इक्वेटर बना हुआ था, याद पड़ रहा है, इक्वेटर के तरफ से ये आउटर साइड हो गया और ये कौन सा हो गया, मिड बीचों बीच साइड हो गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घसाव होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, इक्वेटर से सेंटर की तरफ क्या होना शुरू हो जाता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ धसाव होना शुरू हो जाता है, धसाव होना शुरू हो जाता है। तो इधर से भी धसाव होगा, इधर से भी धसाव होगा, ठीक, इधर से भी धसाव होगा। और ये धसाव होते 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 क्या होगा, ये आपस में फ्यूज कर देंगे। और फ्यूज जब करेंगे तो बताइए, तो ये फ्यूरो बन गया कि नहीं, धसाव हो गया कि नहीं हो गया, फ्यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट करके अलग हो जाएगा। तो एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा। और इस प्रकार माइटोसिस की प्रक्रिया पूरा होती है। तो एनिमल सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया जो होती है उसमें आउटर साइड बाहर से मध्य के बीच सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का धसाव होता है और धसाव आकर क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जिससे दो सेल का निर्माण हो जाता है। तो माइटोसिस प्रक्रिया में एक सेल से कितना सेल का निर्माण हुआ, टू नए सेल का निर्माण हुआ। और बताइए, जो सेल भाग लिए थे, हम चार गो हम क्रोमोसोम लेकर चले थे, तो बताइए तो प्रत्येक में चार गो आया कि नहीं आया, और कैसे आया, आप कैरियोकाइनेसिस में भली भांति देख चुके हैं। तो बराबर का विभाजन हुआ, मतलब जितना पिताजी के पास खेत था उतना ही दोनों पुत्रों के पास भी क्या हुआ, खेत हुआ। पिताजी के पास चार बीघा था तो पुत्रों के पास भी कितना हुआ, चार चार बीघा हुआ। ओके, बात समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके,
प्लांट सेल में। तो देखिए प्लांट सेल में अलग टाइप से होता है क्या, साइटोकाइनेसिस, अलग टाइप से साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक, तो प्लांट सेल में देखेंगे यानी कि कोई भी पादप कोशिका में क्या होगा कि ये जो सेल बना है ये क्या बना है आपका, दो गो केंद्रक बना हुआ है, दो गो केंद्रक बना हुआ है ना जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में से आएंगे वेसाइकी, क्या आएंगे, गोल्जी बॉडी के वेसाइकी। और देखिए सेंटर ये हुआ, सेंटर से किनारे की ओर ऑरेंज हो जाएंगे, सेंटर से किनारे की ओर क्या हो जाएंगे, ऑरेंज हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। और फिर इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टुकड़ा है उस पर ये व्यवस्थित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यवस्थित, क्या हो जाएगा, व्यवस्थित। और व्यवस्थित हो करके ये एक संरचना बनता है जिसको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले प्लांट सेल में क्या होगा, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में आपका गोल्जी बॉडी के वेसाइकल आकर अरेंज हो जाएंगे, कहां पर, सेंटर से किनारे की ओर। और फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आकर के जुट जाएगा, क्या जुट जाएगा, फ्रैगमेंट, टूटा टुकड़ा टुकड़ा जो है वो जुगा, जिसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और यह जो फ्रैग्मोप्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेल प्लेट में, किसमें, सेल प्लेट में। और सेल प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बताइए ये मोटा सा दीवार गिर गया, जिस प्रकार से आंगना गिर गया, बंटवारा हो रहा था तो ये मोटा सा क्या हो गया, दीवार गिर गया। और ये मोटा सा दीवार गिर जाएगा और इसमें सेलुलोज का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होगा, सेलुलोज का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होगा, जमाव हो जाएगा। और जमाव होगा तो बताइए ये अधर अलग चला जाएगा और ये अलग चला जाएगा कि नहीं, तो बताइए तो दू गो सेल ऐसा बन जाएगा कि नहीं, आप समझ रहे हो, इका है जी, अरे ई सेल वाल है ना, ये सेल वाल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वाल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो बताइए तो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ पर सेल प्लेट बना और दोनों क्या हो गया, दीवार अलग हो गया। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट के निर्माण द्वारा, इसके द्वारा, सेल प्लेट के निर्माण द्वारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस पूरा होता है। तो बताइए तो न्यूक्लियस सेल के पास जितना था उसमें जितना क्रोमोसोम था वही क्रोमोसोम चर्चर को मिला है, तो बराबर बंटवारा हो नहीं। और एनिमल सेल में सेल फ्यूरो के द्वारा आपको क्या होता है, साइटोकाइनेसिस पूरा होता है। तो चलिए हम साइटोकाइनेसिस निकालते हैं, अपना कॉपी निकालिए और देखिए आप लोग लिखे हैं, इस अवस्था में सेल के साइटोप्लाज्म दो बराबर भागों में बट जाते हैं जिससे दो नए सेल का क्या होता है, निर्माण। पिछले बताए थे कि जो बना था, अभी हमने बताया ना कि दो जो साइटोकाइनेसिस से बना था उसी वही तो बट करके दो बन रहा है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड से इनर साइड की ओर जा रहे हैं, धसा होना शुरू हो जाता है, इस धसा होकर सेल मेम्ब्रेन में फ्यूरो बनता है, फ्यूरो को धसा भी कहते हैं, इस सेल फ्यूरो कहते हैं, इस फ्यूरो का निर्माण लगातार जारी रहता है, इस सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी खूब बढ़िया बनाया गया है ना, ठीक। और अंत में दो नए नए अलग अलग सेल बन जाते हैं, इस प्रकार साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। देखिए कोशिका में फ्यूरो बन रहा है, फ्यूज कर गया है इक्वेटर से आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर धसा हो रहा है ना, और दो नए सेल बन गए अपना स्ट्रक्चर में देख लिए। अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में देखने के बाद प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस, देखिए सेल वाल है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा में, देखिए तो क्या हो रहा है, इनके बीच फ्रैग्मोप्लास्ट बन रहा है। देखिए चित्र तो गलत बना दिया है, ठीक, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर में गलती दिखा दिया गया है, तो स्ट्रक्चर में बस करते ऊपर वाला है फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण और नीचे वाला है दो नए सेल का निर्माण। तो सेल प्लेट बन गया और सेल प्लेट बनने के बाद क्या हो गया, अलग अलग हो गया। चलिए वहां पर ठीक नहीं तो यहाँ पर समझ लीजिए, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया सेल प्लेट के निर्माण के द्वारा होता है। सबसे पहले गोल्जी बॉडी के वेसाइकल बीचों बीच सेंटर पर आते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर व्यवस्थित होते हैं, बनी संरचना को फ्रैग्मोप्लास्ट, पुनः फ्रैग्मोप्लास्ट ईआर और माइक्रोट्यूबुल के टुकड़े क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, बनी संरचना को क्या कहते हैं, सेल
प्लेट कहते हैं। फ्रेंकोप्लास्ट बोले ना कन्वर्ट हो जाएगा सेल प्लेट में, कैसे ईआर और माइक्रोट्यूबुल इसमें व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक, सेल प्लेट के निर्माण के साथ ही सेल दो बराबर भागों में क्या हो गया, बॉट जाता है। इस प्रकार प्लांट सेल में क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। अब एक बात देखिए, ध्यान रखिए, प्लांट सेल हो या में हो तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है। तो उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी विभाजन होता है बराबर बराबर। जैसे मान लीजिए कि ये जो सेल बना है तो इस समय इस सेल के अंदर एगो माइटोकॉन्ड्रिया है और एगो का है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल है। तो ऐसा नहीं है कि एगो इसमें चल जाएगा, ऐसा नहीं, ये भी विभाजित होगा। अब ये कैसे विभाजित होगा हम बताएंगे ये माइटोसिस प्रक्रिया में। एक से कई गो बन जाएगा, दो गो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके पास अपना क्या है, सेल और ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है, यानी इनके पास अपना डीएनए है। ठीक, और ये भी कितना बन जाएगा, एक से दो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा कितना, एक से दो। तो अब देखिए, ए वो चला जाएगा जब ये सेल प्लेट का निर्माण होगा, तो ए वो चला जाएगा इस सेल में और ए वो चला जाएगा कहां पर, इस सेल में। तो इस प्रकार दो गो बना, एक गो चला गया, अगर दो गो है तो चर चर को जाएगा, यानी बराबर बढ़ता है। ठीक, जिस प्रकार से न्यूक्लियस का बंटवारा, उसी प्रकार यहाँ बंटवारा किसका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। भले दूसरा सेल ऑर्गेनली बटे या ना बटे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया होने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी बराबर बराबर बट जाता है। ओके, समझ गए बात को। ठीक, अगर मान लीजिए कि दो गो है तो दो भी चार गो हो जाएगा, तो दो एगो सेल लेगा, दो एगो सेल लेगा। तो इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में क्या हो जाता है, पूरा होता है। चलिए, एक टर्म आता है, एक शब्द आता है, एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं अवस्था को साइंसिटियम। क्या कहते हैं, साइंसिटियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइंसिटियम। देखिए, साइंसिटियम किसको कहते हैं, साइंसिटियम। देखिए, अब साइंसिटियम अवस्था किसको कहते हैं, अभी देखिए, कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ है, कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ है, कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया, पूरा हुआ है, इस सेल में कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ है। तो सेल में कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। एक सेल से कितना सेल बनेगा, दो सेल बनेगा। ठीक, परंतु कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जिनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो अब बताइए, इस सेल में कितना रह गया न्यूक्लियस, एक से अधिक रह गया कि नहीं रह गया, और ये कार्य करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या कर गया, फेल कर गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, उस सेल का साइटोसिटियम अवस्था कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कि दो सेल बने। तो ये सेल जस का तस रह गया, दो हो गया। अगर इनमें भी विभाजन होगा तो दो से कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, इनका दो न्यूक्लियस होगा, इनका भी क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस, तो ये चार न्यूक्लियस हो जाएगा। तो साइंसिटियम यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक यदि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसे साइंसिटियम कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में मसल सेल जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा मसल सेल में ऑस्टियोटेड मसल यानी वॉलंटरी मसल यानी कि ऐच्छिक मसल देखते होंगे, दो दो को न्यूक्लियस रहता है। तो हमारा मसल सेल कैसा होता है, दो दो न्यूक्लियस वाला यानी साइंसिटियम अवस्था वाला होता है। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ एक बात और, हम लोग प्राकृतिक में नहीं, हम लोग आर्टिफिशियल तरीका से एक केमिकल लेते हैं जिसका प्लांट सेल में करते हैं, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन। इस केमिकल का उपयोग जैसे ही साइटोकाइनेसिस शुरू, जैसे कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ, अब हमने क्या किया, उसके साइटोप्लाज्म में एक केमिकल डाल देते हैं जिसका नाम क्या है, कॉल्चिसिन। जैसे ही केमिकल डालेंगे ना कॉल्चिसिन, तो साइटोकाइनेसिस क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो सेल में क्या रह जाएगा, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस रह जाएंगे। तो कभी कभी कुछ सेल में कैरियोकाइनेसिस होने के बाद भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिससे बने सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाए, जिसे क्या कहते हैं, साइंसिटियम कहते हैं। अर्थात मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस उसे साइंसिटियम सेल कहते हैं। साइंसिटियम की अवस्था मुख्यतः प्लांट सेल में हमें मिलती है, लेकिन कुछ एनिमल सेल जैसे मसल सेल हमारे शरीर के वॉलंटरी मसल में दो या तक न्यूक्लियस, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं।
कोल्चिसिन केमिकल का प्रयोग करने पर साइटोकाइनेसिस फेल कर जाती है। PHAL लिखा है FAIL होगा ना, गलती लिखा है, जिससे साइनसिटियम अवस्था बन जाती है। ठीक, अब एक बात देखिए, तो अब हम लोगों ने माइटोसिस ऑफ प्रक्रिया में क्या देखा कि एक पैरेंट सेल था, दो प्रोजेनी सेल में बदला है। ठीक, और चार वो उसके पास क्रोमोसोम लेकर चले हैं, तो क्रोमोसोम लेकर चले हैं और चार आया है प्रोजेनी सेल में। ठीक, तो अब ये बात देखिए, ये क्या था, पैरेंट सेल था, चार गो क्रोमोसोम, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में कौन कौन हुआ प्रक्रिया, कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस हुआ, दो गो सेल बना। ठीक, दो गो सेल बना। अब ये बताइए, तो आप थोड़ा याद कीजिए कि क्रोमोसोम जो था कैरियोकाइनेसिस अवस्था में मोटाया था, मोटा करके क्या हुआ था, दो क्रोमेटिन बनाया था, और दोनों एक दूसरे का फोटो कॉपी था, एक हो गया है कि नहीं गया है, तो फोटो कॉपी गया है, तो इसके जो डीएनए है, इसके डीएनए हूबहू एक समान होंगे ना, और पैरेंट सेल के जो डीएनए आया है यही डीएनए आया है जी, इनके एक समान होंगे नहीं, तो प्रोजेनी सेल जो बना है, नया ये सेल जो बना है, आपस में जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से हूबहू एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं। प्रोजेनी सेल क्या होते हैं, आपस में हूबहू एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं। ठीक, अपने पैरेंट सेल से भी क्या होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, और जब जेनेटिकली समान है तो मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होते हैं, फोटोकॉपी, मॉर्फोलॉजिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान पैरेंट सेल जब दो नए प्रोजेनी सेल बदलता है, तो वो आपस में और पैरेंट सेल के में क्या होते हैं, हूबहू एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, जैसा इनका डीएनए है वैसा इनका डीएनए, एकदम हूबहू कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट लिखा है कि माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रोजेनी सेल अपने पैरेंट सेल और आपस में भी एक दूसरे के जेनेटिकली रूप से क्या होते हैं, हूबहू एक समान होते हैं। इसको लाइनिंग कर लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस प्रक्रिया में कोई भी अलग सेल नहीं बनता है, जैसा पैरेंट सेल एकदम हूबहू जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली प्रोजेनी सेल, और जो प्रोजेनी सेल बना है वो भी आपस में क्या होगा, एक समान। और ठीक, और माइटोसिस प्रक्रिया में एक सेल से कितना सेल बनता है, दो सेल, ये भी ध्यान रखिएगा, माइटोसिस प्रक्रिया में कितना बनता है, दो सेल। माइटोसिस प्रक्रिया में क्या है, जितना प्रोजेनी सेल में क्रोमोसोम उतना ही इसमें, तो इसको इक्वल डिवीजन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्वल डिवीजन। शुरू में पता है ना कि इक्वल डिवीजन अभी नहीं समझ में आया, अंत में पता आएगा कि जितना पैरेंट सेल का होगा उतना ही क्रोमोसोम कितने किसमें आएगा, प्रोजेनी सेल में आएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, महत्वपूर्ण माइटोसिस की महत्व क्या है, देख पाऊंगा कौन प्लांट हो या एनिमल। ठीक, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, तो तुमको हम एक चीज जानता है थोड़ा बहुत, वो तो रिप्रोडक्शन में पढ़ना ही है, और रिप्रोडक्शन में तुम लोग को हम जो भेजे हैं PDF, पता ना तुम लोग लिखा है कि नहीं लिखा हो, ठीक, PDF जो बना कर दिए थे व्हाट्सएप पर, लिखा है कि नहीं, सुनो आज एक काम करना, जो जो वीडियो देख लेगा, ठीक, हम तो जानते हैं कि दो तीन लोग से बेसी नहीं देखता है, तो व्हाट्सएप पर भेज देना कि कौन कौन PDF देख लिया है, समझ गया। ठीक, और उसके बाद सुन ले, कान खोल कर सुन लेगा बात को, कि तू अगर क्लास खुलबो करेगा, जहिया खुले 15 जून से लगभग संभावना है कि खुल सकता है, खुलेगा भी तो तू मरियो जाएगा, तब पीछे का नहीं पढ़ाएंगे, आकर पूछबो करेगा तो नहीं बताएंगे, अगर तू वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो, अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तब तो तोरा आकर पूछेगा तो बताएंगे। ठीक, तो देख पूंगा क्लियर बात, तो हम क्या करें, इंपॉर्टेंस महत्व किसका, महत्व किसका, माइटोसिस का। तू एक बात जानता है कि ये हो गया तोरा कौची अंडाणु, अंडाणु और क्या हो जिसको ओवम कहते हैं, और ये हो गया तोर कौची शुक्राणु। ठीक, कोई भी एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं, ये शुक्राणु हो गया सो कॉल्ड स्पर्म, ये दोनों फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना, जाइगोट, और जाइगोट जो बनता है उस जाइगोट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो देख जैसे कि मानव किले 23 गुणसूत्र 23 हो गया, अब इस ओवम से क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो क्या कोशिका का गुच्छा, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, माइटोसिस, कौन सी प्रक्रिया होती है,
माइटोसिस, तो बोल माइटोसिस प्रक्रिया होगी तो ओवम एक सेल से कई गो सेल बनेगा, दो गो सेल बनेगा। अरे बुढ़वा तो माइटोसिस प्रक्रिया बोल 46 क्रोमोसोम इसमें आएगा, 46 क्रोमोसोम इसको आएगा, नहीं आएगा यार, माइटोसिस हो रहा है। जितना पैरेंट सेल के पास न्यूक्लियस है उतना ही वो प्रोजेनी सेल, अब फिर ई दोनों डिवाइड करेगा तो इससे कौन गो सेल बनेगा, दो गो सेल बनेगा, इससे भी कौन गो सेल बनेगा, दो गो सेल बनेगा, सब में कौन क्रोमोसोम होगा, 46 को नहीं होगा रे, होगा ना। अब इससे क्या होगा, यानी एक से कितना, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ। तो बोल तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, इंद्रियो का निर्माण। तो कोई भी इंद्रियो बनता है डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट किसके द्वारा हो रहा है, माइटोसिस द्वारा। अब देख और एक बार, दूसरा शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, हड्डी को टूट गया ठीक, तो बोल हड्डी टूट गया तो ओकरा में कौन है, ऑस्टियोसाइट सेल है, ऑस्टियोसाइट सेल में कई क्रोमोसोम है, 46 को, तो वहां विभाजित होने लगेगा, क्या होने लगेगा, विभाजित, तो 46 को ग्रो आएगा नहीं, तो बोल उसका रिपेयरिंग कर दिया कि नहीं। तू लोग का समझता है कि प्लास्टरवा जो करते हैं, प्लास्टर जो करते हैं वो हड्डियां जोड़ता है, अरे नहीं बुढ़वा। देख शरीर की एक खासियत है कि शरीर के सेल माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा नए नए अंगों का निर्माण करते, नए नए ऊतक का निर्माण करते रहते हैं ठीक, विभाजन प्रक्रिया द्वारा। अब प्लास्टरवा कर दिया, प्लास्टर तो हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं तो आराम से वहां पर कौन सी प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी, माइटोसिस, तो हड्डी क्या होगा एक दिन में जुड़ जाएगा ठीक। अब देख थोड़ा स्किन खोचा गया, तो खिर खोचा गया स्किन चाहे टूट फूट गया, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया शुरू हो रहा है, माइटोसिस। कहिएगा सर नहीं खुचा है तो माइटोसिस नहीं रे, प्रतिदिन होते रहता है, हमारा शरीर का ऊपरी त्वचा का जो सेल है क्या कर रहा है, नीचे से बढ़ते जा रहा है, पढ़ा है ना कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियम है, नीचे से बढ़ते जा रहा है, ऊपर में डेड होते जा रहा है, केराटिनाइट एपिथेलियम है ना ठीक। तो क्या है माइटोसिस, तो प्रत्येक दिन हमारे शरीर में 5×10^9 मतलब क्या बनता है, सेल बनता है। तो बोल 5×10^5 बिलियन कितना सेल बनता है, 5 बिलियन, 5 अरब प्रत्येक दिन नया कोशिका बनता है, और उम्र बढ़ने के साथ बच्चों में इसकी माइटोसिस की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है, देख रहा है बच्चा कितना जल्दी जल्दी बढ़ता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये माइटोसिस की प्रक्रिया शरीर में क्या होने लगता है, स्लो होने लगता है ठीक। अब ये नहीं जानता है हमारा शरीर का प्रत्येक सेल विभाजित हो रहा है, कौन सा प्रक्रिया से, माइटोसिस, कौन सा सेल छोड़कर, न्यूरॉन सेल छोड़कर, कौन सा सेल छोड़कर, न्यूरॉन सेल, क्यों, क्योंकि बताओ अभी तू माइटोसिस में देखा क्या देखा था, कि कैरियोकाइनेसिस में सेंट्रियोल था, और सेंट्रियोल ने क्या किया था, क्रोमोसोम को एक क्वेटर पे ले गया था और इसको क्रोमैटिन को क्या किया, तोड़ करके अलग कर दिया। लेकिन न्यूरॉन सेल में बोल सेंट्रियोल होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो बोल स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, जब स्पिंडल फाइबर तो क्रोमोसोम टूट करके अलग होगा, नहीं होगा, इसीलिए न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल जो है क्या कर रहा है, और सेल में न्यूरॉन को छोड़ करके स्पिंडल फाइबर बना करके मेटाफेटिक प्लेट से अलग अलग क्रोमोसोम को कर दे रहा है ठीक। अब ये बात जो बोल रहे हैं पिछला क्लास में सब तुमको बताया गया है, तो देखेगा तब ना वीडियो लेक्चर, अब जाएगा तो डायरेक्ट मान लो चालू कर देगा आज वीडियो, तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा ठीक। अब देख रहे बुआ, लेकिन वही कहेगा सर प्लांटो सेल में तो सेंट्रियोल नहीं होता है, अरे तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है तो माइक्रोट्यूबुल होता है कि नहीं, बोल माइक्रोट्यूबुल होता है कि नहीं होता है, तो प्लांट सेल में माइक्रोट्यूबुल होता है, तो माइक्रोट्यूबुल होगा तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम को अलग अलग कर देता है, समझ गया ना। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल, न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। तो हमारा शरीर का प्रत्येक सेल प्रत्येक दिन माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा नए 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 सेल का निर्माण करती रहती है, समझ गया, और नए सेल का निर्माण करके ग्रोथ करते रहता है, ऊतक का निर्माण करते रहता है। आप नहीं जानता है तो सुन ले, प्रत्येक 7 वर्ष पे हमारा शरीर का प्रत्येक अंग ऊतक न्यूरॉन सेल को छोड़ा करके, ब्रेन छोड़ा करके, न्यूरॉन छोड़ा करके बस नया हो जाता है, प्रत्येक 7 साल पर क्या हो जाता है, नया। तो कहिएगा सर तो थमर में नहीं करेंगे, नया हो जाता है, अरे बुर्बक इतना आसान है, पढ़ना है जीन रेगुलेशन, समय समय के अनुसार जीन एक्टिव होते रहता है और उसकी इफिशियंसी कार्य करने के कम होती जाएगी, समझ गया ना। तो मारना तो निश्चित है, हाँ कौन नहीं मारता, कि न्यूरॉन सेल थोड़ा सा हमेशा डिवीजन करता, ब्रेन हमेशा जिंदा रहता ठीक। तो हर 7 साल पर नया पूरा बॉडी का शरीर क्या हो जाता है, नया बन जाता है इसी माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। तो बोल हमारा प्रत्येक सेल, हमने अपने मानव से कितना, 46 क्रोमोसोम लिया है,
और ओवम में 46 था, इम्ब्रियो बना 46 और बच्चा बनकर के हम जन्म लिए तो 46 क्रोमोसोम को ले गए जी, समझ गया। तो इस बात का ध्यान रखना, एक ऑर्गेनिज्म का शरीर का निर्माण माइटोसिस द्वारा होता है। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने वाले ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक कोशिकीय जाइगोट से होती है और जाइगोट माइटोसिस करता है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है, इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो पूरा शरीर बनेगा। देख रिप्रोडक्शन पढ़ेगा तो सब नजर आएगा। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के शरीर की वृद्धि माइटोसिस द्वारा होती है। अब छोटा बच्चा जन्म लिया, देखता है कितना जल्दी बढ़ता है, पूरा शरीर के सेल के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस, 46 क्रोमोसोम है, समझ रहा है, कोई प्लांट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, माइटोसिस, जिसमें ग्रोथ हो रहा है, प्लांट हो या एनिमल हो, समझ जाओ क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। जीव के शरीर की मरम्मत रिपेयर माइटोसिस, तो टूट गया, फूट गया, कट गया, बीमार हो गया, कौन करता है, सेल की रिपेयरिंग, ठीक। तो माइटोसिस प्रक्रिया से ही शरीर के अंगों का क्या होता है, रिपेयर होता है। माना लीवर खराब हो गया तो डॉक्टर दवाई देता है, तो लीवर के और जो सेल है, जो बचा हुआ सेल है, वो क्या कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा लीवर में होता है रिपेयरिंग, और सबसे कम रिपेयरिंग होता है एपिथेलियल टिश्यू में, और स्किन की एपिथेलियल टिश्यू में सबसे कम रिपेयरिंग होता है, समझ रहा है। आगे देख, प्रत्येक दिन मानव में 5.9 सेल्स, मतलब कितना, 5 बिलियन, मतलब 5 अरब सेल बनते हैं। उम्र बढ़ने के साथ माइटोसिस धीमी हो जाती है, जिससे नए सेल का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे माइटोसिस कम होती जाएगी और एक उम्र आएगा 80-85 अवस्था और सेल बनना बंद, फंक्शन बंद, कहानी खत्म, समझ रहा है। तो ठीक, ये रहा तुम्हारा काउची, माइटोसिस रहा। तो सुन, 4 क्लास में तो पूरा हुआ है माइटोसिस। अब कहेगा कि सर नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, देख ये ऑनलाइन है बहु, अरे पहले बोल दीजिए, इसलिए काम करना, दोबारा लेक्चर को देख लेना, दोबारा लेक्चर को देखना, समझ गया। आज यही तक, कल चालू करेंगे अगला मियोसिस प्रक्रिया, आज के क्लास यही तक, ओके, गुड नाइट।